समाज में जैसा कि गुरुजी अभी नहीं है तो इसका क्या दुष्परिणाम आ रहा है? इसका जगह जगह आप देख ही रहे हैं, जगह जगह लड़ाई झगड़े हैं, कितनी बीमारियां आ रही हैं, कितना झगड़े हो रहे हैं, कितना बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गाजियाबाद में आए हुए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। बहुत ज़्यादा मीडिया की सुर्खियों में बना रहा था और बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी थी। आज उनकी ही जवानी जो यहाँ पर लोग आज भी आते हैं इतने सालों बाद भी, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है सच, क्यों आते हैं यहाँ पे आज भी और क्या काम होता है यहाँ पे। जी मैम, आपका क्या नाम है? आपको डेरा सच्चा सौदा से? मुझे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए 1996 से जुड़ी हूँ मैं। जैसा कि एक आप महिला हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डेरा में लड़कियाँ कितनी सेफ हैं? डेरे में लड़कियाँ इतनी सेफ हैं कि अपने घर से भी ज़्यादा सुरक्षित हैं, घर से भी ज़्यादा सेफ हैं। और जब भी हमारे सतगुरु जी स्टेज पे आते हैं तो एक साइड में लड़कियाँ होती हैं, लेडीज़ होती है, एक साइड में जेंट्स होते हैं और कोई किसी से बात भी नहीं कर सकते। सबका अलग अलग जगह बनाई जाती है और गुरु जी स्टेज से वचन फरमाते हैं। वहाँ पे डेरे में आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला? डेरे में इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला कि मैं आपको क्या बताऊँ, हमारा डेरे में ही दिल लगता है, घर में लगता भी नहीं है। और हम सेवा पे जाते हैं और अब भी इतनी सेवा पे, शायद गुरुजी जब हमारे इधर थे तो हम इतना नहीं जा पाते थे और आज गुरुजी की हमें इतनी याद आती है। हम हफ्ते में 3 बार भी सेवा पे जाते हैं और 10-10 दिन लगा के आते हैं, कभी 15 दिन भी लगा के आते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं लगता, गुरुजी जल्दी आ जाएं। बस हमारी तो सरकार से यही अरदास है, यही विनती है, मेरे मालिक को जल्दी से हम सबके पास भेज दो। हमारा सारा परिवार जुड़ा हुआ है, रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं। महिलाओं के लिए गुरुजी ने जैसे गैस पड़ती है उसको उनको बुला के उनका ट्रीटमेंट करवाया, 2-2 साल उनको हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद फिर उनकी शादियां करवाई इंजीनियर और डॉक्टरों से, उसके बाद उन्होंने उनको घर बना के दिए और बहुत मानवता भलाई के 170 के करीब उन्होंने कार्य किए हैं, जिसमें सफाई अभियान है, महासफाई अभियान, जैसे हरिद्वार की सफाई करवाई और आपके बॉम्बे में और जयपुर में, जोधपुर में, और भी मतलब कम से कम भी 40 उन्होंने महासफाई अभियान करवाए हैं और अब उसका गंगा का भी करवाने जा। जैसा कि गुरुजी नहीं है अभी तो फिर उनके चलाए हुए कार्य क्या अभी भी चल रहे हैं या बंद हो गए? हाँ जी, अभी भी उसी तरीके से चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। हम लोग जहाँ पर भी हमारे सेवादार जो हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, हमें बताते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं सफाई करने के लिए अपने आसपास अपने ब्लॉकों में। आपका अपने गुरु पे आज के समय में कितना विश्वास है? पहले से भी ज़्यादा और अपने से भी ज़्यादा, जो अपने ऊपर विश्वास है उससे बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे माँ बाप तो कुछ भी नहीं था, जो हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि माँ बाप ने हमें वो शिक्षा नहीं दी जो हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी है, हमें नेकी और भलाई के रास्ते पर चलाया, दूसरों की सेवा कैसे करते हैं, समाज की सेवा कैसे करते हैं और गरीब की मदद कैसे करते हैं, ये सारी शिक्षाएँ सारी बातें हमें हमारे गुरुजी ने, पूजनीय गुरुजी ने बताई हैं। आपके डेरा सच्चा सौदा आगे भी जाते रहेंगे? हाँ जी, हम आगे भी जाते रहेंगे, औरों को भी हम लेके जाते हैं और हमें बस एक सरकार से एक अपील ये भी करनी है कि जब भी हम डेरे में जाते हैं तो बस वाले ना वहाँ पर हमें बस नहीं रोकते, और हमें उनसे ये मिलती है कि हमें सरकार से ये अपील है कि भाई हमारी बस भी वहाँ रोका करें, हमें बिठाते नहीं है, हमें दूसरी जगह से सवारी लेनी पड़ती है।